राधे राधे जी, मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पवित्र वचन में। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा व महत्व सुनाऊंगी। भोले शंकर जी जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव जी की आराधना के लिए होता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से भोले शंकर जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और ऐसे में यदि सावन के महीने में कई सोमवार का दिन आए तो उस दिन भोले भंडारी की सबसे ज़्यादा अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित होता है। आइए दोस्तों, अब सावन सोमवार की व्रत कथा सुनें। आपसे गुजारिश है कि व्रत कथा पूरी सुनें, क्योंकि व्रत को बीच में ही तोड़ा नहीं जाता, वैसे ही व्रत कथा के बीच से उठा नहीं जाता। चलिए साथ मिलकर बोलें, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, महादेव की जय। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा? पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित तौर पर कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी माँ पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ जी, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माँ पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे।
लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिवजी और माता पार्वती जी ने भी सुने। माँ पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो माँ पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती जी ने फिर से भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माँ पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधु राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार सावन सोमवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है।